जो बिल्कुल फाइनल हो गए। थोड़ा सा ऊपर के कैमरा। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि 12,000 रुपए सरकार दे रही है इसके लिए, शौचालय के निर्माण के लिए, जी जी, तो क्या 12,000 रुपए पर्याप्त है शौचालय निर्माण के लिए? नहीं देखिए, अर्जेंट जरूरत के हिसाब से जो 12,000 रुपए सरकार दे रही है तो उससे एक काम चलाने के लिए व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अगर सही से शौचालय बना जाए तो तकरीबन 25,000 में शौचालय बैठता है आदमी का। फिलहाल तो गांव के हिसाब से जो 12,000 की जो राशि है वो कम है, उससे जरूरत पूरी हो सकती है, व्यवस्था के हिसाब से जरूरत के हिसाब से पूरी व्यवस्था ठीक है, समस्या सॉर्ट करने के लिए काफी है। जी जी, लाभार्थी अपने पास से पैसा लगा के? हाँ, कुछ लाभार्थियों ने जिन्होंने अच्छे शौचालय बनाए हैं उन्होंने अपने पास से पैसा लगाया है और अच्छे शौचालय बनाए हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई योजना मनरेगा, जी, मनरेगा के अंतर्गत आपके कार्यकाल में कितने जॉब कार्ड धारक हैं और क्या 100 दिन का रोजगार उन लोगों को मिल रहा है? देखिए सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मेरी ग्राम पंचायत में 150-200 के आसपास में जॉब कार्ड बने हुए हैं मजदूरों के, और हम लोगों ने अभी इस बार जो काम कराए हैं पक्के और कच्चे जो काम कराए हैं तो अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं दिया गया है, जो भट्टे वालों का पैसा है, लेबर का पैसा है, पैसा मिल नहीं पाया है मनरेगा से, और सुनने में बात आ रही है कि पैसा सरकार के पास खत्म हो गया। या यहाँ जो खाते में सरकार देती पैसा के पैसा खत्म हो गया, मनरेगा का अभी पैसा उपलब्ध हुआ है जिसमें मजदूरों का पैसा, भट्टे वालों का पैसा, लेबर का पैसा हम लोगों के पास बाकी है। प्रधान जी, हमारे सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हम कई गांवों में पहले गांव वालों से मिलते हैं फिर बाद में प्रधान जी से मिलते हैं, हम ये सब जानकारी भी लेते हैं, तो कितने गांव में 90% गांव में ये पाया गया है कि प्रधान का घोटाला मनरेगा से शुरू होता है जो पहले नहीं होता था अब होता है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जब से हो गया, क्योंकि इसमें जो है ये देखा गया है कि जो मजदूर कार्ड मनरेगा के बना रखे हैं वो लोग बाहर रहते हैं और कुछ बाहर मजदूरी करते हैं, और जब उनके मजदूरी खाते के अंदर आती है, उनके खाते में ट्रांसफर होती है, तब वो पैसे लेके प्रधान से साठ गांठ करके वो अपने मजदूरी पैसे बांटते, क्या घोटाला ये सब आपकी ग्राम सभा में भी है? देखिए, ये जो बात आप हमने आपसे पूछी, आइए पूछ रहे हैं आप उनसे प्रश्न, पहली बात तो ये कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। इस ग्राम पंचायत में जैसे पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है तो बहुत थोड़े थोड़े काम ग्राम प्रधानों ने जो है कच्चे मार्ग के कराए हैं, पक्के निर्माण बहुत कम करवाए हैं, क्योंकि पैसा जो काम करा दिया जाता है उसका पैसा उसके खाते में पहुंच नहीं पाता। लेकिन ये चर्चा है लोगों में कि साहब जो फर्जी जॉब कार्ड लोगों ने बना रखे हैं मजदूरों के, जबकि ऐसा नहीं है कि फर्जी जॉब कार्ड, जो लोग बाहर रहते हैं उनका जॉब कार्ड बन ही नहीं सकता। प्राइवेट में मजदूरी मजदूरों की 350 रुपए और ₹300 और इसके अलावा सरकार जो पैसे मजदूर मनरेगा मजदूर को जो दे रही है मजदूरी, वो ₹175 लगभग दे रही है जी। तो इतने कम पैसे में मजदूर कैसे मिल पाते हैं या कैसे कर पाते हैं वो काम? देखिए,